हाँ जी जसवंत भाई तैयार हो? हाँ जी हाँ जी। चलो जी अख तो शुरू करो ना वीर मेरा भरा। जसवंत भाई को देखें कैसी ट्रेनिंग हो गई है। शुरू में इन्हें मुश्किल लगता था। हेलो ये आंख है जी। ये महमूद भाई के पास से हम एक लाए थे लाखा कबूतर और एक लाखी कबूतरी, तो दोनों ही उनके पास जो है ना बेमिसाल उड़े हैं। तो एक दफ़ा मैंने वीडियो बनाई और कहा कि महमूद भाई का ये कबूतर सात सात आठ आठ बजे बैठता रहा, तो उनसे बात हुई थे कहते हैं तुसी चंगे बंदे हो, मेरा कबूतर 11, 11:30, 12 बजे तक राती बांधा होता सी। मैं कहा ठीक है अगली बार फिर जरूर दसांगे। वो इस जो है ना पट्टी का बाप है और इसकी माँ भी जो है ना 9, 9, 10, 10 बजे बैठती रही है। दोनों ही लाखे कबूतर हैं। तो फिर उसके बाद ये देखें, एक मिनट ठहरें दोस्तों, ये आप बंतर देखें इस मादी की। तो ये मेरा एक फ़ोन आ रहा है, इसको ज़रा मैं ज़रा साइलेंट पे लगा लूँ। तो ये देखें, ये कबूतरी की बंतर है, ये देखें ये बंतर है। ये रंग भी दिखा दें सुन भाई इसका, ये रंग है इसका जी, ठीक है। ये देखें ये बटेरों के जैसे सफ़ेद सफ़ेद कान होते हैं वैसे इसके आए हुए हैं इधर आए, लाकी ब्लड लाइन। तो ये कबूतर जो है ना उस्ताद इम्तियाज इराबीना वाले के पास भी महमूद भाई ने बेचे हैं निकल गया मुंह से सॉरी। तो उनका कोई ऐसा लेने बेचने का जो है ताल्लुक नहीं है खरीदो फरोख्त का। तो ये देखें, ये फिर इसके साथ नीचे से ये दिखाएं, ये दुम देख लें। अच्छा दोस्तों ये देखें, अभी आपको हम इसकी एक और चीज़ दिखाने लगे हैं इधर से। जसवंत भाई ये देखें, ये जो दुम को जो सपोर्ट करने वाले पार होते हैं दोस्तों, ये देखें ये कोई दुम के पार नहीं है, ये इसकी ये हैं तो दुम के पार ही लेकिन ये इसके लंगोट के पार है। ये देखें और देखें ये किधर तक गए हुए हैं, ये देखें ये पीछे छोटी सी दुम बचती है। तो ये इनका जितना चढ़ाव ज़्यादा होगा उतना ही दुम के पारों को और जितनी ये गंड छोटी होगी उतना ही जो है दुम सही आएगी। ये परेल कबूतर हैं जी काफ़ी माशाल्लाह। ये देखें इसका अभी थोड़ी सी क्रीच में है ये, लेकिन आपको कुंदा दिखाते हैं अभी इसका। ये देखें ये स्लो स्लो उड़ने वाले कबूतर हैं, पर देखें कितना ट्रांसपेरेंट है, ये थोड़ा सा क्रीच लगी हुई है पट्टी आप। तो ये पार है इसका, ठीक है। तो महमूद भाई से अक्सर मैं कहता हूँ कि इसके अंदर काले मुंह वाले शेखों वाले कबूतर भी लगता है इन कबूतरों के अंदर डले हुए हैं, लेकिन अब महमूद भाई को बेहतर पता है क्योंकि उन्होंने जो है ना कोई चार पांच पर मुख्तलिफ डाल के तो ये कबूतर बनाए हुए हैं। और वो कबूतर अभी भी घर के अंदर ब्रीड कर रहा है इसका बाप। तो हमने कहा इसका आपको ज़रूर शौक कराएंगे, देखें दोस्तों कैसा पार लगा हुआ है इसे। और ये देखें इन कबूतरों के अंदर एक मुख्तलिफ चीज़ आई है, ये सिल्वर चेक करें पार के अंदर जो आ रही है, ये अभी नज़र आ रही है इधर, ये देखें आपको नज़र आ रही है जो बल है ना पार के अंदर, ये देखें ये बल, ये इसका बल चेक करें, ये अब देखें हर कबूतर के अंदर नहीं आता, ये भी बड़ी बहुत बड़ी क्वालिटी होती है पार के अंदर। ये देखें आप इस बल का देखें फ़ायदा क्या है, देखें ये देखें दूसरा पार मैंने छोड़ा हुआ, देखें इसको कैसे खींच रहा है, ये देखें मैंने छोड़ा हुआ है, ये मैंने राइट वाले और लेफ्ट वाले दोनों पार पकड़े हुए हैं और ये मिडल वाला पार मैंने पकड़ा नहीं हुआ, ये जैसे ही मैं छोड़ूंगा तो ये छोड़ देगा। ये देखें इसको कैसे खींच रहा है, ये देखें पीछे ये जितना ये इसको लॉक करेगा उतनी आवाज ठहरेगी, जितना लॉक। बहुत सारे लोग बताते हैं लेकिन इस चीज़ के बारे में नहीं बताते कि इस पार का फंक्शन क्या होता है, कि जितना पार ऐसे होगा उतना पार को ग्रिप करेगा, लॉक करेगा। ये देखें पार पतला भी कितना है। तो ये एक छोटी सी चीज़ थी, ये मादी में अभी मैंने थोड़ा गौर किया देखी है, हमारे पास भी काफ़ी कबूतर हैं लेकिन कम इन कबूतरों में ये बहुत ज़्यादा आती है। तो ये देखें पीछे से बिल्कुल ही पतली सी कबूतरी है, ठीक है जी। और ये आगे से चीना देख लें इसका, जसवंत भाई इनका नाम ना रख दें सरदार कबूतर है जो चाहे रख दी है, कोई यार हो ना यार सिख भरावान का भी तो ना हो ना बिच सरदार है, तुम भी सरदार हो कबूतर भी सरदार
ये देखें दोस्तों, जसन भाई अभी दो भाई आंख दिखाएं इसकी तरह, कोशिश करें कैमरा ऊपर ना आए आंख के, खाली दूर से जूम कर लें, होगी या जूम सही है दोस्तों। ये देखें, ये उन लोगों के लिए हम आंखें दिखाते हैं जो लोग शौक रखते हैं आंख देखने का, हम आंख के ऊपर बहुत ज्यादा फोकस नहीं करते उसके कलर पे, क्योंकि काली आंखों के कबूतर भी बहुत ज्यादा उड़ते हैं, जो पट्टी वाले कबूतर हैं काली आंखों के, या टिपलर कबूतर जो हैं वो 17, 18, 20 घंटे, 30 घंटे, 34 घंटे ऐसे उड़ते हैं। कई कबूतर तो ऐसे होते हैं एक आंख और होती है, दूसरी आंख और होती है, फिर भी उनकी परवाजें इतनी ज्यादा होती हैं। ये पाकिस्तान में एक बंदे ने रिकॉर्ड भी बनाया था, उस कबूतर मादा की भी कोई आंखें कुछ ऐसी ही थी, तो काफी ज्यादा वो कबूतरी उड़ी थी, तो इसलिए आंखों का जो है वो इतना ज्यादा चक्कर नहीं होता।